श्री आदर्श रामलीला उप समिति द्वारा बोरीवली पश्चिम के रामलीला मैदान अजंता टॉकीज के समक्ष रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस रामलीला महोत्सव का विधि विधान से भूमि पूजन उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद और प्रसिद्ध जनसेवक गोपाल शेट्टी के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर जनसेवक गोपाल शेट्टी, पूर्व नगर सेविका बीना दोषी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीकांत पांडे, ब्रह्मदेव तिवारी, डॉक्टर योगेश दुबे, गोपाल उपाध्याय, बीडी सिंह, बयार परिवार के सूर्यकांत उपाध्याय, मंडल अध्यक्ष अरविंद यादव, बीएम गुप्ता, मनीष नाग, सतीश मिश्रा, सुरेंद्र गुप्ता, विनोद शास्त्री, विनोद मिश्रा, जय प्रकाश उपाध्याय, पंडित अशोक मिश्रा तथा संजय मिश्रा सहित अनेक गणमान्य नागरिक और राम भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बोरीवली का ये रामलीला महोत्सव गत 42 साल से हो रहा है। रामजस उपाध्याय जी हमारे नेता थे, वो इसका आयोजन उन्होंने प्रारंभ किया। बहुत लंबे समय तक वो उन्होंने इसको चलाया। उनके सर रामकृपाल ऊपर उनकी पूरी टीम जो है रामलीला समिति का, उनके माध्यम से हो रहा है। 15 तारीख से ये प्रारंभ होगा, 25 तारीख तक चलेगा और 25 तारीख को कवि सम्मेलन भी है। बहुत बड़े ढंग से कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। और मेरा ये स्वयं का मानना है कि आज 500 साल से छोटे छोटे संस्था के लोगों ने मिलकर रामलीला मनाते रहे और उसी के माध्यम से जो रामलला का भव्य मंदिर बना है, मतलब 500 साल तक किसी एक चीज़ को चलाना, करते रहना, ये बहुत छोटी बात है। हम जैसे लोग इन दिनों में किसी का 25 साल शादी का हो जाए तो सिल्वर जुबली मनाते हैं, तो 25 साल राम भक्तों ने रामलीला के माध्यम से भगवान राम की महिमा को उजागर किया, जागरूक रखा। और भारतीय जनता पार्टी नाम की एक पार्टी ने अटल जी आडवाणी जी के नेतृत्व में कार सेवकों के माध्यम से बाबरी ढांचा टूटा, राम मंदिर का जजमेंट आ गया, राम मंदिर बन गया, उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ और आज पूरे दुनिया का एक आकर्षण का केंद्र हमारा राम मंदिर बना है। इसका निश्चित हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक गौरव की बात है। सर, जिस तरह से आप बच्चों को या यूथ को हमेशा ही आस्था से और अपनी जो संस्कृतियों से जुड़ने की बात करते हैं, तो रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, आपका लोगों से क्या कुछ कहना होगा कि किस प्रकार से उन्हें अपने बच्चों को भी इस तरह से रामलीला महोत्सव में लेकर आना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ रामलीला का आयोजन करना, रामलीला देखना, रामलीला सुनना, इतना तक कि इसको सीमित न रखते हुए उसको अंगीकार करना चाहिए। भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने अयोध्या की गद्दी छोड़ दी। आज पार्टी में किसी को एक पद नहीं मिला तो क्या क्या गड़बड़ हो जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं। तो भगवान राम ने गद्दी छोड़ दिया, 14 साल का वनवास किया, हाँ, लंका में जाकर लड़ाई की और लंका जीत लिया। सोने का लंका जीतने के बाद में भी भगवान राम ने उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह सोने की लंका से तो मेरा जन्मभूमि मेरे लिए बहुत महान है। ये रामलीला का आयोजन इसलिए करना है क्योंकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को भगवान राम की जो सोच थी, भगवान राम ने जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए जो त्याग तपस्या किया, उसको हम सब लोगों ने अंगीकार करने के लिए रामलीला देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसका आयोजन करना चाहिए। सबसे पहले तो सब राम भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमो नारायण। और आज हम इस जगह संगठित हुए हैं इस माध्यम से, इनके अंदर सबसे बड़ा विशेष जो कार्य है वो राम कृपाल उपाध्याय जी का है, हमारे सांसद जी का है, या हमारे प्रिय नेता जिनको हम अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों से देखते आ रहे हैं। हम बूढ़े होते जा रहे हैं लेकिन ये बूढ़े नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये सत्य बात है कि इनको भगवान ऐसे ही स्फूर्ति दे, आशीर्वाद दे, क्योंकि इनका पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित है। और राम जी को सब लोग यहाँ जितने आज जमा हुए हैं सबका जीवन राम जी के लिए समर्पित है, क्योंकि राम जी कोई व्यक्ति नहीं है, एक सोच है, एक विचार है कि जिन्होंने सभी सबका भला ही किया है। तो उसी नक्शे कदम पे चलने के लिए उन्हीं को हम स्मरण करते हुए इस रामलीला को आगे बढ़ाते रहेंगे वर्षों वर्षों, हम रहे या ना रहे, लेकिन ये कार्य आगे चलता रहेगा। और यही आशीर्वाद है उपाध्याय जी को और बाकी सब लोगों को, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और जो जवाबदारी एक सनातनी होने के नाते हम सबकी है,
और रामलीला गत 42 साल से इसी मैदान पे हम लोग करते आ रहे और सारे समाज, हिंदू समाज इससे, इस रामलीला से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो लोग ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। उनको भी पता होना चाहिए कि राम का चरित्र, राम का आदर्श, उन्होंने जो कार्य अपने जीवन में जो लोगों को सिखाए वो कैसे अपने जीवन में उसको अंगीकरण करना चाहिए। राम जी का त्याग, तपस्या, वो सारी चीज़ों का, इसलिए यहाँ पर रामलीला का मंचन हम लोग 10 दिन करते हैं बहुत भव्य तरीके से। उसका आज भूमि पूजन हम लोगों ने यहाँ पर किया। एक प्रयास है आगे वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति से, यह एक प्रयास है आगे वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति से अवगत कराने का। हमसे प्रयास कर रहे, बाकी तो भगवान भोलेनाथ मालिक है। जब इसकी पहली शुरुआत हुई थी तो किस सोच के साथ की गई थी और इतने लंबे वर्षों से जो लगातार जारी है? जैसे कि आपको बताया, गोपाल जी ने भी बताया, सभी लोग बताए, और यहाँ पर एक अपने राम जी की महिमा पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। जिस तरह से नवरात्रि उत्सव का कार्यक्रम किया जाता है उसी तरह से राम जी का भी रामलीला करते हैं। तो सोच यही था कि अपने सनातनियों को इकट्ठा करना, धर्म के लिए प्रचार प्रसार करना, संस्कृति का बढ़ावा देना, आने वाली पीढ़ी, आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको कैसे राम के माध्यम से, मंच के माध्यम से उसको जोड़ा जाए और राम जी की महत्व उनको समझाया जाए। आजकल के बच्चे क्या है, वो यूट्यूब में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें वो फंसे रहते हैं, उनको समय नहीं मिलता। लेकिन हम चाहते हैं कि इस माध्यम से वो लोग भी आए, अपने घर में दो घंटा समय, एक घंटा समय देंगे तो उनके भी आने वाले जनरेशन में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, उनकी सोच में, विचार में भी फ़र्क पड़ेगा। इस तरह से कार्यक्रम में गोपाल शेट्टी जी का कितना सहयोग और साथ होता है और आज उन्हीं के हाथों से आपने भूमि पूजन? गोपाल शेट्टी जी 30-35 साल से जनप्रतिनिधि कर रहे हैं इस क्षेत्र के। पहले नगर सेवक थे, फिर इसी क्षेत्र से विधायक बने, फिर इसी क्षेत्र से लोकसभा के सांसद बने, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, योगदान नाना प्रकार के होते हैं, कोई धन देता है, कोई शारीरिक सहयोग करता है, मानसिक सहयोग। गोपाल जी शेट्टी जी का एक वरदस है इस रामलीला महोत्सव के माध्यम से, उनका एक अलग सा स्थान है इस रामलीला महोत्सव में। वो अपने ढंग से हम लोग को आशीर्वाद देते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं कि आप ये कार्य करते रहिए। कभी भी मैं जाऊँगा मिलने तो बोले, रामकृपाल भी 2 साल में रामलीला नहीं हुई थी, मेरा कुछ घर के कारण की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन इनका मानना था कि रामकृपाल तुम घर से बाहर निकलना चाहिए और ये काम आपको करना है, ये आपकी जवाबदारी है और ये जो बाबूजी की जो धरोहर है इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए।